हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से और मेरी कंपनी ट्रेड स्विफ्ट की तरफ से अक्षय तृतीय की हार्दिक शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीय की उपलक्ष्य पे हम लोग तीन पिक्स लेके आ रहे हैं। जैसा कि तृतीय है तो तीन पिक्स लाना बहुत जरूरी था और मैंने सोचा कि एकदम ऐसी क्वालिटी कंपनियां लाई जाए। जैसा कि आज अक्षय तृतीय में गोल्ड खरीदते हैं, तो अगर हम फिजिकल गोल्ड या ई गोल्ड या एक्चुअल में गोल्ड नहीं भी खरीदे तो ऐसे शेयर्स खरीदें जो एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड्स के हो। तो उनमें से मेरी जो पहली कंपनी है वो है सिम्फनी लिमिटेड, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। देखिए, एक इंडिया की एमएनसी है और करीब 60 कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस है, और उससे भी बढ़िया बात है वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एयर कूलर्स की। तो एक इंडिया की कंपनी, गुजरात से निकली हुई कंपनी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एयर कूलर्स की, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी देखिए, कंपनी ने जबरदस्त बेंचमार्क सेट किए हैं। करीब 200 से ज्यादा के ट्रेडमार्क्स हैं इनके पास, 6400 करीब रजिस्टर्ड डिजाइन है, 1500 कॉपीराइट्स है, 15 कॉपीराइट्स है और 48 करीब पेटेंट्स है कंपनी के। और दूसरी तरफ और देखिए, एक और बहुत बड़ा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया, वो है कि गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंक्शनिंग एयर कूलर्स बनाने के लिए। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ब्रांड इक्विटी तो गजब है ही है। और आप देखिए 16-17 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है। अगर आप 5 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो 25 के लगभग की है, और पिछले 7 साल के अगर सेल्स की कैगर देखें तो करीब 14-15% के लगभग है। प्रॉफिट का कैगर करीब 9-10% के लगभग रहा है। और सबसे बढ़िया बात, हमें मार्च के रिजल्ट्स देख रहा था तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। पिछले मार्च 2020 में अगर 40 करोड़ का पैट था तो उसके सामने 62 करोड़ का पैट आया कंपनी का, तो वो मुझे अपने आप में बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे अगर देखें तो 362 करोड़ का पैट, यानी कि मार्च 2021 का, मतलब मार्च पूरे साल का 2020-21 का हाईएस्ट एवर पैट आया इनका। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से DII का कॉन्फिडेंस है और FII का कॉन्फिडेंस, FII ने अभी मार्च के महीने में स्टेक बढ़ाई है, DII ने भी लगभग 10% से ज्यादा का वो लोग ओन करते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए और आराम से 1270 से 1320 का टारगेट के लिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। दूसरी पिक है सियाट लिमिटेड, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, 1958 से कार्यरत है और इंडिया की लीडिंग टायर ब्रांड्स में से एक और फ्लैगशिप कंपनी है RPG ग्रुप की। और मुझे सबसे बढ़िया बात इस कंपनी की एक और जो लगी वो ये है कि ये कंपनी 35th रैंक पे आई है। जब एक ग्रेट प्लेसेस टू वर्क का एक सर्वे होता है उसमें से टॉप 100 कंपनीज में से ये 35th रैंक आई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, कंपनी की क्वालिटी के बारे में और दर्शाता है। सो ओवरऑल हर्षवर्धन गोयनका जी, जो कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, वो इसके चेयरमैन है। और मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगी, ये कंपनी जबरदस्त तरीके से ग्रो की है कंसिस्टेंटली पिछले कई सालों से, और उससे भी बढ़िया बात है एक करेक्टेड लेवल्स पे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अभी जब बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स, जैसा कि मैंने पहले सिम्फनी बोला, अब सीएट बोला, तो ये अपने हायर लेवल से अच्छे खासे करेक्ट हुए। हाई लेवल्स का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि प्री कोरोना पीरियड का, इस पीरियड के दौरान फरवरी जनवरी में जो अच्छी बड़ी रैली आई थी बजट के पहले और वहां पे जो हाइज बनाए वहां से ये लोग बहुत अच्छे लेवल्स पे, नीचे के लेवल्स पे मिल रहे हैं। ये 1700-1750 के जो हाइज बनाए वहां से ये अब कंपनी 1300 के लगभग मिल रही है। सो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। अब फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं। 11 के पी मल्टीपल पे कंपनी काम कर रही है, 15% के लगभग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी है, और सबसे बढ़िया बात है पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर में देख रहा था तो करीब 25% के लगभग प्रॉफिट की कैगर है, और सेल्स की ग्रोथ भी कंटिन्यूअसली 7-8% के लगभग रहती है। और उससे भी बढ़िया बात है, मैं रिजल्ट्स देख रहा था मार्च 20 और मार्च 21 को मैं जब कंपेयर कर रहा था तो मुझे और जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया कि 52 करोड़ का पैड था मार्च 20 में, उसके सामने मार्च 21 के क्वार्टर में 153 करोड़ का, सो हाईएस्ट एवर टॉप लाइन इस क्वार्टर में आया है। और सबसे बढ़िया बात देखिए, जो बॉटम लाइन भी है, ये जो हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन है, सो मेरे हिसाब से इस कंपनी को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ये इंडिया के टॉप 5 टायर कंपनीज में से एक है, और सबसे बढ़िया बात है काफी कॉन्फिडेंस है इस कंपनी के ऊपर भी, FIIs DIIs का। और आप देखिए FIIs की करीब 26-27% के लगभग स्टेक है, जो कि पिछले क्वार्टर में FIIs ने बढ़ाई है 2-3% से, और DIIs की भी 13-14% के लगभग है।
सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टॉक और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के नामचीने फंड्स और बढ़िया ग्रुप की ये कंपनी है और बढ़िया लेवल्स पे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे और आराम से 1530-1570 के टारगेट्स के लिए आने वाले 3 से 6 महीना नहीं तो मैक्सिमम में 9 महीने के लिए ये स्टॉक को लिया जाए। दूसरी कंपनी है मिधानी, वन ऑफ माय फेवरेट्स। देखिए मेटल्स के स्टॉक जबरदस्त चल रहे हैं और ये कंपनी भी उसी सेक्टर से है बट डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है और पीएसयू स्टॉक है, तो जनरली पीएसयू स्टॉक्स वैसे नहीं चलते बट इन दिनों में कुछ फ्लेवर में ज्यादा ही आ गए हैं और मेटल्स के स्टॉक्स भी ज्यादा फ्लेवर में है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों का बहुत बढ़िया कॉम्बो है। और सबसे बढ़िया बात है जब कोई स्टॉक नहीं चला हुआ रहता है तो वहां डाउनसाइड रिस्क भी बहुत कम रहती है। और एक चीज मैं एडमिट करूंगा कि पिछले साल में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स, मैं जी बिजनेस पे रेगुलरली आता हूं तो वहां पे दिए हैं, और पिछले साल जब आत्मनिर्भर का जो पैकेज आया था तो मई की 13 तारीख को मैंने 20 स्टॉक्स दिए थे आत्मनिर्भर पैकेज के हिसाब से, कि उनमें से एक ये स्टॉक था मिधानी जो कि आज तक टारगेट अचीव नहीं किया। तो मुझे टारगेट अचीव नहीं करने पे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये फायदा दिख रहा है कि अभी भी स्टॉक में दम है, क्योंकि मई 2013 में कहां निफ्टी था और आज वापस से 2021 में हम बैठे हैं मई की 14 तारीख को आज, तो आज निफ्टी कहां है। तो अगर ऐसे समय में भी हमें ऐसा स्टॉक मिलता है जो कि आपको एक साल पहले का लेवल्स पे मिल रहा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी 204-5 के लेवल्स थे और मैंने 250 के टारगेट दिए थे और आज भी उन्हीं लेवल्स पे, बल्कि वहां से नीचे था, पिछले एक दो दिनों में जरूर से ये स्टॉक चला है। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे सबसे बढ़िया बात यह लगती है कि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है कंपनी में, और अभी ऐसे मार्केट में ऐसे ही स्टॉक्स लेने चाहिए जहां पे डाउनसाइड रिस्क कम हो, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स ओपीएम्स करीब 28-29% के ओपीएम पे कंपनी काम करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 22-23 के लगभग रहती है परसेंट, और सबसे बढ़िया बात है सरकार ही इनके बायर्स है, डिफेंस न्यूक्लियर और एरोनॉटिक्स में काफी लोग स्पेशल सुपर एलॉयज निश मटीरियल से लोग सप्लाई करते हैं। सो मुझे लगता है कि इस कंपनी में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है दिसंबर का क्वार्टर भी बहुत बढ़िया था, लाजमी था कि जून खराब होना था, सितंबर में रिकवर किए और फिर दिसंबर का क्वार्टर बहुत बढ़िया था। और उससे बढ़िया बात यह है कि मैं FIIs DIIs की भी होल्डिंग देख रहा था, जनरली FIIs और DIIs PSUs में थोड़े कम निवेशित रहते, हालांकि DIIs फिर भी रहते हैं, तो DIIs FIIs की दोनों की मिला के 15% के लगभग है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि PSU स्टॉक है तो 74% की वहां है, सो ओवरऑल उनकी स्टेक है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी सब बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात एक और होती है जनरली पीएसयू स्टॉक्स में देखने को मिलती है, वो डिविडेंड यील्ड करीब 1.25% के लगभग। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टॉक, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे। 230 से 250 का टारगेट्स लगा के इस स्टॉक को भी 3 से 6 महीने की अवधि के लिए, नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 महीने से 12 महीने के लिए भी रख सकते हैं। बट यस, सबसे बढ़िया बात है इन तीनों स्टॉक्स में मैंने जो देखी है, क्योंकि ऐसे लेवल्स पे मार्केट में जनरली फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कई लोगों को लग रहा है कि मैंने स्टॉक्स नहीं ले पाया, मेरे से मिस हो गई पूरी रैली, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमने वही स्टॉक्स चुने हैं जो कि चले हुए नहीं है। सीएट और सिम्फनी चूंकि बिजनेसेस लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं, हर स्टेट में अपने अपने नॉर्म्स है तो वो करेक्ट हो रखे हैं, इसलिए उन स्टॉक्स को लिया मैंने। ऑलमोस्ट टेक्नो फंडामेंटली अगर मैं देखूं, फंडामेंटल जबरदस्त है और टेक्निकली बहुत अच्छे लेवल्स पे है, अपने सपोर्ट्स पे है 200 डेमास पे, जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मानता हूं उसको। और उससे बढ़िया बात है मिधानी की, जो कि मैंने कहा कि इतने सारे स्टॉक्स और ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ द स्टॉक्स के टारगेट्स अचीव हुए हैं, बट स्टिल आज की डेट में भी इस स्टॉक का टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन वो 205 था और 250 का मैंने टारगेट दिया था। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन ऑल द 3 स्टॉक्स एंड मेरे हिसाब से निवेश करना चाहिए इन लेवल्स पे। और ये जनरली मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूं, ये शायद मेरी पहली मुहिम है कि मैं स्टॉक्स को वापस से मेरे YouTube चैनल के थ्रू, मेरे कंपनी के YouTube चैनल के थ्रू मुहैया करवाऊं स्टॉक्स को। तो 3 स्टॉक्स दिए मैंने अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी अक्षय तृतीया एंड स्टे सेफ। अपने परिवारजनों का और अपना खुद का स्वयं ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और घर में ही व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच।